गुजरात समेत आधे भारत में भारी बारिश का दौर जारी है। गुजरात के छोटा उदयपुर में एक दिन में 20 इंच बारिश हुई। छोटा उदयपुर में पंचमहल और डांग जिले के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। छोटा उदयपुर के बोडेली तालुका में रविवार को शाम 6 बजे तक सिर्फ 12 घंटे में 433 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसके कारण उच और हेरान नदियों में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया और निचले इलाकों में बाढ़ आ गई। छोटा उदयपुर जिले के नसवारी तालुका के अकोना गांव से 65 लोगों को बचाया गया है। इसके अलावा 500 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं इस मुसीबत की घड़ी में गुजरात पुलिस लोगों के लिए काबिले तारीफ का काम कर रही है। छोटा उदयपुर में बाढ़ में फंसे लोगों को गुजरात पुलिस के जवान ने बचाया और सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। ऐसे और कई वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें गुजरात पुलिस लोगों को बचाने और सहायता करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। शनिवार से हो रही भारी बारिश के कारण दक्षिण और मध्य गुजरात और सौराष्ट्र के कई बांधों में पानी भर गया है और नदियां उफान पर हैं। कई नदियां खतरे के निशान के करीब बह रही हैं, जिससे संबंधित प्रशासन को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वाइब्रेंट लाइव न्यूज। निर्भय, सत्य, जनता की आवाज़।